अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के पोठोहारी इलाका है कि वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं कि इस ज़मीन से हम क्या क्या ज़िम्मेदारों से काश करवा सकते हैं। तो इंजीनियर आसिफ साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या सजेस्ट करते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे ये आप देख रहे हैं मियांवाली का ये पोठोहारी एरिया है, इसमें जो सॉइल तो यहाँ की बहुत अच्छी है सर। यहाँ पे आप स्प्रिंकलर इरिगेशन फार्मर्स को दे सकते हैं, जैसे उन्होंने टेरेसिंग की हुई है। यहाँ पे ड्रिप पे जैतून बहुत अच्छी हो सकती है, और ये जो सॉइल है ये बहुत फर्टाइल सॉइल है। जैसे आप ये देख रहे हैं झाड़ियाँ, तो जैसे ये झाड़ियों को सपोर्ट कर रही है, तो जो हमारे फ्रूटफुल्स हैं फसलें, जैसे हमारा सिट्रस हो गया, जैतून हो गई, इनको तो ये और ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करेगी। और लोग अब लोगों में शऊर भी आ रहा है, जिसकी वजह से ये डैम लोग भी डैम्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में इस भी सपोर्ट कर रही है, और लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं? जी सर, अगर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन यहाँ पे करते हैं तो इस पे मूंगफली बेहतरीन हो सकती है, गंदम हो सकती है। जैसे चारा जात हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं चारा जात की इस एरिया में, तो ये क्लाइमेट भी जो है ये सारे इसमें सपोर्ट कर रहा है, गंदम को भी, इसको मूंगफली को भी, और बहुत अच्छी मूंगफली होती है। आप चकवाल के एरिया में उन्होंने स्प्रिंकलर के जा रहे हैं चकवाल वाले, तो इस तरह हम मियांवाली में भी कोशिश कर रहे हैं कि मियांवाली में भी लोगों को इस तरह का ट्रेंड हम डेवलप करके दें। ये बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, ये हम आपको ज़मीन की जो है ये जैसे ही ऊपर वाली तह को हटा लेते हैं तो नीचे ऊपर थोड़े थोड़े आपको पत्थर नज़र आएंगे, ये पथरीली सी है, लेकिन ये थोड़ी सी तह है, ये देखें। अब ये बिल्कुल जो हमारी बेहतरीन फर्टाइल ज़मीन है, तो इसको अब यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से अपील है कि हमें दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें यहाँ कामयाबी दे। ये बहुत वसी यानी हज़ारों नहीं लाखों एकड़ यहाँ पड़े हैं कि जहाँ कोई पहले ख़ास जो है एग्रीकल्चर नहीं हो रही। तो दुआ करें कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो। शुक्रिया।